ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य संसाधनों की कमी से जूझ रही प्रदेश की जनता को किसी भी हाल में राहत दिलाने में गहलोत सरकार जुटी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर सहित अन्य संसाधनों की आपूर्ति बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर अब सीएम गहलोत ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं, सांसदों और विधायकों से अपील की है कि वो केंद्र सरकार के सामने प्रदेश का हाल रखें और राजस्थान के लिए जरूरी संसाधनों का आवंटन बढ़ाने की मांग करें। सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी इस बात को माना है कि केंद्र सरकार से प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सीएम गहलोत ने लिखा कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेश के सभी सांसदों से अपील करता हूँ कि वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री श्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन, फार्मास्यूटिकल मंत्री श्री मनसुख मांडविया एवं भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से बात कर प्रदेश की ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन बढ़ाने की मांग करें। सीएम गहलोत ने लिखा कि जैसा सभी को विदित है कि राजस्थान सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के सामने प्रदेश की स्थिति की जानकारी देकर ऑक्सीजन एवं दवाइयों का आवंटन बढ़ाने की मांग की थी। सीएम गहलोत ने बीजेपी नेताओं से आग्रह किया कि कोविड की स्थिति के कारण भले ही भाजपा नेता दिल्ली न जाए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य की मांग दृढ़ता से रखें। सीएम गहलोत ने प्रदेश भाजपा के नेताओं से आग्रह किया कि यह समय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए कार्य करने का है। हमारा प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। हमारा प्रयास है कि राजस्थान में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से प्राण न गंवाए, लेकिन इसके लिए हमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा के आवंटन की आवश्यकता है। सीएम गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर दवाई के उत्पादन पर नियंत्रण कर रखा है, इसलिए हम ओपन मार्केट से भी ऑक्सीजन एवं दवाई नहीं खरीद सकते। इसको लेकर भी गहलोत कई बार केंद्र से गुहार लगा चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही तो राजस्थान सरकार मार्केट से सीधे भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर खरीद लेते हैं, लेकिन केंद्र के नियंत्रण के कारण प्रदेश की जनता को राहत नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि संसाधनों की कमी से किसी की मौत हो जाए यह मुझे सहन नहीं, चाहे पूरा बजट झोंक दूंगा। प्रदेशवासियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन को फॉलो कर घर के अंदर ही रहना होगा, तभी सरकार शासन हम सभी मिलकर जंग जीत सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।